Shri Ramdas Athawale. सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन। सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन, मैं करता हूं भारत के संविधान को वंदन। नरेंद्र मोदी का मैं करता हूं अभिनंदन। नरेंद्र मोदी का करता हूं मैं अभिनंदन, क्योंकि लंदन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साहब को वंदन। सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? 60 साल के कांग्रेस के कारनामों का पोल खोलूं? खोलूं कि मत खोलूं? बोलूं कि मत बोलूं? यूपीए सरकार ने ही की थी महंगी की किया था महंगा सब्जी और आलू। यूपीए सरकार ने ही महंगा किया था सब्जी और आलू, लेकिन बिहार में कैसे चुनकर आए नीतीश और लालू? लेकिन बिहार में कैसे सत्ता में आ गए नीतीश और लालू? ये दोनों में कौन है ज्यादा चालू? साइलेंस प्लीज। सुनो, अब देखते हैं सर, अब देखते हैं सर, सर सर देखिए, प्लीज यूज पार्लियामेंट्री टर्म्स। हाँ ठीक है ठीक है। एनीथिंग अनपार्लियामेंट्री इज डिलीटेड फ्रॉम रिकॉर्ड। बैठे बैठो बैठो, अब देखते हैं, अब देखते हैं बिहार में सस्ता होता है क्या आलू। तो ठीक है, मतलब हम सब हमारे मित्र ही है। आलू इज द पार्लियामेंट्री। ओ सर, सर साइलेंस प्लीज। अम्बेडकर जी ने जो संविधान देश को दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो 271 लोगों की जो संविधान सभा थी, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन के नाते बहुत बड़ा काम किया। और 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया, तब उन्होंने बोला था कि बाबा साहब अंबेडकर, आप ही सही संविधान के शिल्पकार है। ये संविधान बनाने में बाबा साहब अंबेडकर जी ने किसी के खिलाफ, मतलब उसमें कोई मत व्यक्त नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर जी जब पढ़ाई करते थे तो स्कूल के बाहर बैठते थे। अगर आज अगर मुझे अगर कोई मास्टर बाहर बिठाएगा तो मैं मास्टर को बाहर निकालूंगा। बाबा साहब के टाइम पर ये स्थिति थी, सातारा में जब वो स्कूल में जाते थे तब उनको स्कूल में बैठने का मौका नहीं मिलता था। जब बाबा साहब अंबेडकर जी, सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप दी थी, इसीलिए उन्होंने बड़ौदा में नौकरी की, लेकिन हर कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान होता रहा। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने नौकरी छोड़कर, बाबा साहब ने तय किया कि अगर मैं नौकरी करता रहूंगा तो मेरा अगर इसी तरह का अपमान होता है अनटचेबिलिटी के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से, तो मुझे नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। और उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने, मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, बाबा साहब अंबेडकर मूवमेंट चलाते रहे, बाबा साहब अंबेडकर समता की भूमिका लोगों के सामने रखते रहे, बाबा साहब अंबेडकर ने जातिवाद का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने चातुर्वर्ण का विरोध किया। लेकिन मैं सर इतना बताना चाहता हूं कि जो मूल हिंदू धर्म है, ये मूल हिंदू धर्म ने चातुर्वर्ण की सिस्टम शुरू की गांव को चलाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई मतलब पढ़ाने के लिए ब्राह्मण, गांव की सुरक्षा करने के लिए क्षत्रिय, दुकान चलाने के लिए वैश्य,
गांव की सफाई करने के लिए शूद्र, तो ये चार वर्ण थे, मगर ये वर्ण काम पर आधारित थे, ये वर्ण जन्म पर आधारित नहीं थे। जो मूल मूल जो हिंदू धर्म था, ये चातुर्वर्ण सिस्टम थी काम पर आधारित, लेकिन बाद में ये जन्म पर आधारित कास्ट सिस्टम चलती रही और देश में 6400 जातियां बढ़ती गई और इसीलिए देश में विषमता का जो माहौल है वो माहौल बनता गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के ओला में अनाउंस किया था कि मैं हिंदू करके मेरा जन्म हुआ है, लेकिन अगर हिंदू धर्म इसी तरह हमारे ऊपर अन्याय करता रहेगा, विषमता करती रहेगी, हमको गांव के बाहर रखने का काम करता रहेगा, तो मैं हिंदू धर्म में रहूंगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और ये धम्म भारत का धम्म था, समता पर आधारित धम्म था। गौतम बुद्ध जी ने प्रज्ञाशील करुणा का विचार पूरे भारत को दे दिया था और 2500 साल पहले चेयरमैन सर पूरा भारत बौद्धमय था। ये भी बौद्ध थे, वो भी बौद्ध थे, उधर के भी बौद्ध थे, इधर के भी बौद्ध थे, बीच वाले बौद्ध थे, सब बौद्ध थे। मैंने मंत्री का बात नहीं अब इसलिए ना, तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी समता पर आधारित थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको पढ़ाई और सिखाया कि अपने भाषा से और अपने धर्म से, अपने गांव से, अपने जिले से, राज्य से अपना देश सबसे बड़ा है। और भारत की एकता मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है। आज बाबा साहब के संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कानून बनाने से अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। कानून है, लेकिन आज भी गांव गांव में अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस वाले सत्ता में थे, ये भी अभी सत्ता में आ गए हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देखते ये क्या करते हैं। करेंगे जरूर, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि देश के संविधान को कोई धोखा नहीं है। ये बार बार इस पर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे कि मेरा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, मेरा झंडा इस देश का तिरंगा झंडा है, लेकिन आप लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको दूसरा कोई काम रहा नहीं है। आप बोलते हैं कि भाई इनको, इन्होंने जल्दी जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जल्दी जाएंगे नहीं जब तक मैं इनके साथ हूं। थैंक यू। और मैं जब आपके साथ भी था, जब मैं आपके साथ भी था तब आप भी सत्ता में थे, और इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं चेयरमैन सर, यहां मतलब इस ये जो हाउस है इसमें इसी तरह का जो विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी होना चाहिए, लेकिन उधर थोड़े वो स्ट्रांग है, 2 साल के बाद हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उधर तो नहीं जाएंगे, नहीं उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आप कुछ देते क्या नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक यू। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि संविधान की चर्चा चेयरमैन सर पूरे देश भर में हो रही है और ये सरकार ने ये संविधान दिवस जो 26 नवंबर का ये मनाने का काम किया, सभी लोगों को अपने अपने मत व्यक्त करने का मौका दिया है, लेकिन संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन चलाने वाली बढ़िया होना चाहिए। अगर संविधान चलाने वाले बढ़िया नहीं होगे तो ये संविधान को एक दिन हमारे लोग चलाएंगे, इसी तरह का इशारा बाबा साहब ने दे दिया था। तो संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारी सरकार भी बहुत अच्छी है, तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अभी तुमको 15-20 साल कोई सत्ता मिलने वाली तो नहीं है, मतलब इसीलिए कोशिश करो। नहीं भी बिहार में मिल गया, अच्छी बात है। नहीं नहीं, बिहार के लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, उन्होंने लालू जी को, नीतीश को, और ये दोनों एक साथ आते नहीं थे तो तुम सत्ता में आते नहीं थे, आप दोनों एक साथ आए, लेकिन हाँ प्लीज प्लीज चाची जी, मैंने मुझे मंत्री कब बनाएंगे, आप समाप्त कीजिए अब। तो ठीक है, मंत्री पद की बात नहीं है, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सर मतलब मेरे बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं राज्यसभा में ना आता, मेरे बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं राज्यसभा में नहीं आता, मैं यहाँ नहीं आता तो संविधान पर आज मैं कैसा बोल देता।
मतलब ये संविधान इतना बढ़िया है और आप जैसे चेयरमैन है, हमें यहाँ माइनॉरिटी दलित और जो ओबीसी और हिंदू मुसलमान इसी तरह का विवाद नहीं करना है। मुसलमान भी अपने हैं, हिंदू भी अपने हैं, सब अपने हैं, लेकिन वो अपने नहीं है। और जब तक वो अपने नहीं होते हैं तब तक ये भी बिल पास करना मुश्किल हो गया। और इसलिए आप लोगों ने और हम लोगों ने जब ये भी ये लोग अपोजिशन में थे, मैं आपके साथ था, तो बिल पास करने के लिए लोग आपको सपोर्ट करते थे, पूरा सपोर्ट करते थे। और कोई भी मतलब बिल हो, मतलब सब बिल के लिए मतलब आपने जो अच्छा बिल होगा उसमें आपने सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई तो सुझाव दे देना चाहिए। खाली विरोधी भूमिका लेने से कोई काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए आप सब लोगों ने मतलब इस हाउस को अच्छा चलाना है, भारत के संविधान के मुताबिक अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, दलित अत्याचार को खत्म करना है। मैं मंदिर में जाता हूँ तो पुजारी मुझे बोलते आप अंदर आइए, उनको मालूम है कि अगर मुझे वो रोक देंगे तो पुजारी को मैं बाहर निकालूंगा। और इसलिए जो हमारे मैडम को कुछ अनुभव आ गया था कि उनको अंदर नहीं जाने थे, उनको पूछा तुम्हारी जात क्या है, और मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं पुजारी को पूछूंगा तेरी जात क्या है। इसलिए मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सभी मंदिर में प्रवेश सब लोगों को मिलना चाहिए। हम भी तो दलित लोग हैं, हम तो बुद्धिस्ट बने हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं बुद्ध मंदिर में भी जाता हूँ, राम मंदिर में जाता हूँ, और चर्च में जाता हूँ, और गुरुद्वारा में जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, क्योंकि तो सभी जगह पर मैं जाता हूँ। और बाबा साहब का संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने वाला संविधान है, और इसलिए संविधान पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों ने भी मतलब हमको सहयोग करना चाहिए। 5 साल तक मतलब कोई चिंता तो नहीं है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते रहेंगे। बाकी के लोग बोलते हैं आजू बाजू वाले, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे देते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। और इसलिए मतलब मुझे लगता है कि संविधान बहुत मजबूत है और इस संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय। थैंक यू श्री।